इनके बेटे की साजिश में जो भी शामिल था उस हर इंसान ने इस घर के हर सदस्य के सामने विशेष का नाम लिया था, लेकिन फिर भी हम अपने बिहेवियर के लिए आपसे माफी मांगते हैं। माफी मांगने से कोई छोटा ना ही हो जाता है। लेकिन आज जो हमसे माफी मंगवाई गई है ना, वो हमें छोटा दिखाने के लिए ही था। श्वेना बाबू, हम सोच रहे थे कि शादी के 20 साल हो गए, तो क्यों नहीं हम एक एल्बम बनाते, सारी फैमिली पिक्चर्स, जब भी हमारा मन करेगा हम सारी पुरानी यादों को ताजा कर सकते हैं। नाजर कुजर दूर हो। थैंक यू मेरी माँ। नकल तो की जा सकती है लेकिन बराबरी नहीं। अम्मा जी छोड़िए ना इन बेकार की बातों का, आप अंदर चलिए। आइए डैड, इसे हम लगा देते हैं। आराम से संभालिए। चमक चलो, हमें तुमरी और गुडवा की शादी की एल्बम दिखाने का जवाब दे रही है। पर तुम तो मालूम नहीं है, हम बस नाम के ही शांति देवी हैं, पर क्रांति के मामले में हम उसकी माँ के भी अम्मा हैं। अम्मा जी आप काहे इतनी नाराज होती हैं? जो हो गया रहने दीजिए ना, ललिता जी का घर है, वो जो चाहे करे। हमें कहा ललिता का घर नहीं है, ये हमारे गुडवा का घर है। और ये सब जो तमाशा बाहर हो रहा है ना, वो हमको दिखाने के लिए हो रहा है। और अब हमारी बारी है जवाब देने की। ऐसा जवाब देंगे कि उसको पता चल जाएगा कि वो किसके घर में बैठी है। बच्चों हमारा काम याद है ना? अम्मा जी उन्हें पढ़ने दीजिए, हमें बताइए, हम आपका काम कर देते हैं। नहीं माँ, वो काम हम कर लेंगे। ऐसा कौन सा काम है? सच में ललिता, ये पार्टी अब तक की सबसे अच्छी पार्टी थी। उससे भी अच्छा था तुम्हारा आज का सरप्राइज पोर्ट्रेट। अब हम चलते हैं। बाय, थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा ललिता जी, अब हम भी निकलते। आपने जो हमारे लिए किया ना, हम उसको कभी नहीं भूलेंगे। निर्मला जी, आने के लिए थैंक यू, पर एक बात का हमें अफसोस है कि हम आपको उस दूसरी औरत की बेइज्जती होने का नजारा नहीं दिखा पाए। पर फिक्र मत कीजिए, आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। हम इंतजार करेंगे, चलते। अरे एक मिनट निर्मला जी, हम आपका से खाली हाथ नहीं जाने देंगे। आपके लिए एक तोहफा लाए, और राज की बात भी तो बताना बाकी है। अरे हाँ, राज का बात तो हम भूल ही गए, बताइए ना क्या बता रही थी। बताएंगे, लेकिन आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप बुरा नहीं मानेंगे। अरे पसीना पसीना क्यों आ रही है? एसी तो ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पे। बताइए ना ललिता जी, आप क्या बताना चाह रही हैं? निर्मला जी, आप माने या ना माने, पर हम आपके मान अपमान को अपना मान अपमान समझते हैं, और हमने जो कुछ भी किया इसीलिए किया। हम आपकी भावना को समझते हैं ललिता जी। आप तो समझती निर्मला जी, पर आपका बेटा नहीं समझता। उसे आपके मान सम्मान की बिल्कुल परवाह नहीं। क्या कह रही हैं आप? हम सच कह रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद आपका बेटा उस शालू के ऊपर लट्टू है, जिसकी माँ और बहन ने आपकी भरी महफिल में बेइज्जती की। पर उसे तो कोई परवाह नहीं। नहीं ललिता जी, हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। हम जानते थे कि आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेगी। हमारे पास सबूत है, ये देखिए। अब तो आपको यकीन आ गया?
हाय राम, हम ऐसा बेशरम लड़की कभी नहीं देखे। ललिता जी, हमारा विशेष है ना, बहुत भोला है, जरूर ये अपना जाल में उसको फंसा रही है। आप सही कह रही हैं, ये लड़की बहुत चालाक है, आपके बेटे को फंसा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने बेटे को समझा दीजिए कि इस लड़की से दूर रहे। आप ये बात हमको बताकर बहुत अच्छा की। अगर थोड़ा देर पहले बताती ना तो हम रंजू से पूछते कि कहाँ गया तुम्हारा संस्कार। और जब हमारा बेटा उसकी नजर में बदमाश है तो काहे उसकी लड़की हमारे बेटे को फंसा रही है। रंजू को जवाब देने की इतनी जल्दी मत कीजिए निर्मला जी, हर बात का एक समय होता है और सही वक्त पर गाली भी गोली का काम करती है। हम आपकी बात समझ गए, अब आप चिंता मत कीजिए, हम उसको अपना तरीका से ठीक करेंगे। आप तो बस ये वीडियो है ना हमको भेज दीजिए। अभी भेज देते हैं? भेज दे। अब हम चलते हैं। रुके रुके, ये आपके लिए गिफ्ट है, इम्पोर्टेड स्विस चॉकलेट है, इसे खाते ही आपकी मन की कड़वाहट खत्म हो जाएगी। अरे इसका क्या जरूरत था? जरूरत नहीं था, मोहब्बत है, रखिए। थैंक यू, चलते हैं। बाय। संभालिए।